السلام عليكم للفيور. This is Minister Fanخيل. How to insert degree symbol in Microsoft Excel. Microsoft Excel में degree की अलामत लगाने का तरीका. For example, यहाँ पर temperature है और temperature 90 यहाँ पर degree की अलामत है. तो degree की अलामत लिखने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना है Alt के साथ 0176. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शॉर्टकट से यहाँ पर डिग्री की अलामत ज़ाहिर हो गया Alt 0176. इस शॉर्टकट इस्तेमाल करने से यहाँ पर डिग्री सिंबल आ गया. अब इसको मैं एंटर करता हूँ. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तमाम रेंज पर यहाँ पर डिग्री की अलामत सिंबल लगाए, तो यहाँ पर डिग्री सिंबल लगाने के लिए इस रेंज को सेलेक्ट करें. सेलेक्शन के बाद यहाँ पर जो फार्मेट है, इसका जो नंबर फार्मेट है, इसको चेंज करना है. इस ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका जो टाइप है जनरल है. जनरल की बजाय यहाँ पर हैश लिखे शिफ्ट के साथ 3 और इसके बाद अल्ट के साथ वही नंबर लिखे अल्ट 0176, फिर ओके पर क्लिक कर दें. अब यहाँ पर फार्मेट अप्लाई हो गया. डिग्री फार्मेट, डिग्री सिंबल की फार्मेट यहाँ पर अप्लाई हो गया. अब यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 98 103 102 टेम्परेचर है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ ऑटोमेटिक डिग्री सिंबल लग जाती है. तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिग्री की अलामत सिंबल लगा सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे.